All dear student, again most welcome all of you in Medical Pulsate channel. So all dear student, today हम लोग discuss करेंगे IIMS BSc Nursing, UP BSc Nursing and Atal Bihari Vajpayee Medical University के द्वारा जो पैरा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 2025 में, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केतली में रखी चाय किस प्रकार का निकाय है? जो केतली में रखी चाय होती वह किस प्रकार के जो निकाय का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है विवृत निकाय, सेकेंड है बिलगित निकाय, थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो समृत निकाय क्लोज्ड सिस्टम, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है समृत और विवृत दोनों प्रकार का निकाय। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो केतली में रखी चाय होती है वह जो है ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होता है, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, कपूर को वाष्पीकृत करने पर उसकी एंट्रोपी क्या होती है? अगर हम कपूर को जो है वेपराइज्ड कर रहे हैं तो उसका जो एंट्रोपी है वह क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है घटती है, सेकेंड है बढ़ती है, थर्ड ऑप्शन है स्थिर रहती है, एंड लास्ट ऑप्शन है शून्य हो जाती है। तो अगर हम कपूर को जो है वाष्पित करते हैं तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वह क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा? बढ़ेगा, ना कि घटे। यहाँ पे क्या होगा, जो कपूर का एंट्रोपी होगा वह बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार में फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक ऊर्जा घटती है, सेकेंड है आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो है संपूर्ण ऊर्जा घटती है, एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? स्थिर रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगा, जो इंटरनल एनर्जी रहेगा वह स्थिर कॉन्स्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, अभिक्रिया की सतह परिवर्तित होने की कसौटी है। फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा, यहाँ पे जो ए जी लिखा है यहाँ पे ए ना होके क्या है डेल्टा जी है ऐसे करके रहेगा, तो डेल्टा जी का ऋणात्मक होना, सेकेंड डेल्टा जी का धनात्मक होना, थर्ड ऑप्शन है डेल्टा जी का मान शून्य होना, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया डेल्टा जी धनात्मक और डेल्टा एस ऋणात्मक होना। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, अभिक्रिया की सतह परिवर्तित होने की कसौटी तब होगी यदि डेल्टा जी का मान जो होगा वह ऋणात्मक होता है तब। अगला प्रश्न है, हेस का नियम किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से, सेकेंड है अभिक्रिया के वेग से, थर्ड ऑप्शन है साम्य स्थिरांक से, एंड लास्ट ऑप्शन है गैस के आयतन पर दाब का प्रभाव से। तो हेस का नियम जो है वह अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जब बर्फ पिघलती है मतलब कि जो आइस है वह जब मेल्ट होता है तो इसकी एंट्रोपी क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है घटती है, सेकेंड ऑप्शन दिया है बढ़ती है, थर्ड ऑप्शन है शून्य हो जाती है, एंड लास्ट ऑप्शन स्थिर रहती है। तो यहाँ पे जो आइस है अगर वह जब जो है पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी जो है वह बढ़ती है, क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इनमें से कौन प्रबलतम आक्सी कारक है? कौन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है आयोडीन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो पूछा कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी कारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फ्लोरीन होता है, ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु मेटल अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकेंड जिंक, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, एंड लास्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी वाला, जो कॉपर होता है वही क्या होता है हाइड्रोजन को जो है एसिड से जो है डिस्प्लेसमेंट मतलब कि रिप्लेस नहीं करती, विस्थापित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर? फर्स्ट ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, सेकेंड है विलयन के ताप पर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है विलयन की मोलरता पर, एंड लास्ट ऑप्शन है इन सभी पर।
तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह जो है इन सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन रहेगा क्या, इन सभी पर किस किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, अन्य विलयन की मोलरता पर, इन तीनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। सो ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। जो 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निर्भर करता है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, धातु की प्रकृति एवं इसके आयनों पर, सेकेंड है विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, थर्ड ऑप्शन है दाब पर, एंड लास्ट ऑप्शन है ताप पर। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है, किस पे प्रेशर जो होता है उसी पर जो है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है डिपेंड नहीं करता है। अगला प्रश्न है, लवण सेतु बनाने के लिए, साल्ट ब्रिज बनाने के लिए KNO3 का मानक विलयन लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है के प्लस आयन का वेग NO3 निगेटिव आयन के वेग से अधिक होता है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे NO3 निगेटिव आयन का वेग के प्लस आयन से अधिक होता है, थर्ड ऑप्शन है के प्लस एवं NO3 निगेटिव आयन का वेग समान होता है, एंड लास्ट ऑप्शन है KNO अधिक घुलनशील है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वाला, जो के प्लस एवं NO3 निगेटिव आयन है इनका वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, इक्वल फॉर्म में है, इसी कारण इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, CuSO4 को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं, बोतल जो होती है, बोतल जो होता है उसमें नहीं रखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर कॉपर जो है वह उपचयित हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन है Cu2+ अपचयित हो जाता है, एंड थर्ड ऑप्शन है एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है, लास्ट ऑप्शन है CuSO4 का विघटन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, CU2+ आयन जो होता है वह अपचयित हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, गलित सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा को चालित करता है, फर्स्ट ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है मुक्त आयन, थर्ड ऑप्शन है मुक्त अणु, एंड लास्ट ऑप्शन है Na तथा क्लोरीन के मुक्त परमाणु के कारण। तो गलित NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वह विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि उसमें जो होता है फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि Na+ Cl नेगेटिव फॉर्म में वह टूट जाता है, तो यही क्या करते हैं आयंस जो है यही क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं, चालन करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा बराबर है किसके, फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम तुल्यांक के, सेकेंड 1 ग्राम मोल के, थर्ड ऑप्शन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, एंड लास्ट ऑप्शन है आधा ग्राम तुल्यांक के। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 1 ग्राम तुल्यांक के इक्वल होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ हाइड्रोजन प्लस आयन पहले अपचयित होता है किससे, फर्स्ट ऑप्शन है Zn2+ से, सेकेंड है Cu2+ से, थर्ड ऑप्शन दिया है Ag+ से, एंड लास्ट ऑप्शन है आयोडीन से। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, Zn2+ से क्या होता है अपचयित हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। अगला प्रश्न है, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती है, सेकेंड ऑप्शन है घटती है, थर्ड ऑप्शन है स्थिर रहती है, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तन्यता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता होता है वह क्या होता है, घट जाता है, ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे किस धातु की जल से क्रिया सामान्य ताप पर संभव है, फर्स्ट ऑप्शन है Au गोल्ड, सेकेंड है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है सोडियम, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आयरन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, सोडियम का जो है पॉसिबल होता है क्रिया जल से सामान्य ताप पर।
अगला प्रश्न है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों का प्रयोग कर तनु H2SO4 की विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कैथोड पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, सेकेंड अपचयन रिडक्शन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों, बूथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एंड लास्ट ऑप्शन है उदासीनीकरण न्यूट्रिलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, क्या होगा अपचयन, यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन का प्रोसेस होगा, प्रक्रम चलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि फेरस सल्फेट विलयन में एक कॉपर धातु से बने चम्मच को रखा जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर अवक्षेपित होगा, सेकेंड है आयरन अवक्षेपित होगा, थर्ड ऑप्शन है कॉपर तथा आयरन दोनों अवक्षेपित होंगे, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई अपक्रिया नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन KBr पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन टू निगेटिव को जो है निष्कासित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन, सेकेंड आयोडीन, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन, एंड लास्ट ऑप्शन है SO2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला Cl2+। Cl2- होगा, 2+ नहीं होगा, सॉरी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक विद्युत अपघट्य विलय में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं, यदि कैथोड को विलयन से बाहर खींच लिया जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है धनायन तथा ऋणायन दोनों ही एनोड की ओर गति करेंगे, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है धनायन एनोड की ओर गति करने लगेंगे, थर्ड ऑप्शन है धनायन गतिहीन हो जाएंगे लेकिन ऋणायन एनोड की ओर गति करते रहेंगे, एंड लास्ट ऑप्शन है धनायन तथा ऋणायन अनियमित रूप से गति करने लगेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला, धनायन तथा ऋणायन अनियमित रूप से गति करने लगेंगे, मतलब इरेगुलरली फॉर्म में क्या करेंगे मोशन करने लगेंगे। अगला प्रश्न है, यदि दो अर्धशिलों के मध्य लवण सेतु को हटा दिया जाए तो सेल की वोल्टता क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है शून्य हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगी, थर्ड ऑप्शन है धीमी गति से बढ़ेगी, एंड लास्ट ऑप्शन है तेजी से बढ़ेगी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का ऑप्शन नंबर शून्य हो जाएगा, क्या होगा यदि दो अर्धशिलों के मध्य से लवण सेतु मतलब साल्ट ब्रिज को हटा दे रहे तो सेल की जो वोल्टता होगी वह जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे 1 फराडे विद्युत धातु के 1 ग्राम परमाणु को मुक्त करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है गलित NaCl, सेकेंड है जलीय BaCl2, थर्ड ऑप्शन है जलीय CuSO4, एंड लास्ट ऑप्शन है जलीय AlCl3। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला गलित NaCl से। अगला प्रश्न है, 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट लेवेजिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकेंड है बहु अनुपात का नियम, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है निश्चित अनुपात का नियम, एंड लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है 1789 में जो है एंटोनी लॉरेंट लेवेजिया के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, प्रपोज्ड किया गया था। सो इसी रूल्स में जो है इनका मेन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल था। अगला प्रश्न है, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन का दाब जो होता है वह 1 एटमॉस्फेयर होता है, सेकेंड है हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 मोल होता है, सेकेंड है ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अवशोषित नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, जो हाइड्रोजन गैस होगा और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अवशोषित नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को
उसके किसी लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है सिल्वर, सेकेंड है क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन है कॉपर एंड लास्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे एल्युमिनियम को जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन क्या उत्पन्न करने के लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, सेकेंड है दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोड के पृष्ठ से अधिशोषित ऑक्सीजन को पृथक करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन कंबोजन जो किया जाता है वह दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है सी यू टू प्लस के एक मोल को धातुविक कॉपर में अपचयित करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या कितनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1, सेकेंड है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है 4। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी वाला 2 फैराडे की आवश्यकता होगी। कितना 2। अगला प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन सर्वाधिक शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन है इसके इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना गया है एंड थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का हम लोग का ऑप्शन बी वाला इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना गया इसलिए जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह शून्य होता है। अगला प्रश्न है सीसा संचायक सेल को अवशोषित करने पर फर्स्ट ऑप्शन है PbO2 घुलता है, सेकेंड है लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमता है, थर्ड ऑप्शन है H2SO4 पुनः बनता है एंड लास्ट ऑप्शन है अम्ल की मात्रा जो है अमाउंट जो है घटती है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है रीफॉर्म होता है अगेन बनता है। अगला प्रश्न है वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कॉपर, सेकेंड सिल्वर, थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम एंड लास्ट ऑप्शन है प्लेटिनियम क्या PT। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला एल्युमिनियम क्या होता है एक ऐसा धातु जो कि सरलता से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अगला प्रश्न है वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है वह कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकेंड है कॉपर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है मैग्नीशियम एंड लास्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी वाला जो कॉपर होता है वही क्या होता है हाइड्रोजन को विस्थापित रिप्लेसमेंट नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दुर्बल वैद्युत अपघट, सेकेंड है प्रबल वैद्युत अपघट, थर्ड ऑप्शन है विद्युत अनपघट एंड लास्ट ऑप्शन है उत्प्रेरक। तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ होते हैं वह प्रबल वैद्युत अपघट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है Na2O, सेकेंड MgO, थर्ड ऑप्शन है Al2O3 एंड लास्ट ऑप्शन है Ag2O। तो Ag2O जो है वही एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि धातु के द्वारा यहाँ पे जो है हाइड्रोजन द्वारा जो है सरलता से क्या होता है अपचयित होता है Ag2O। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई इस्माले द्वारा कार्बन का कौन सा अपर रूप खोजा गया था। इन 1985 रॉबर्ट एफ कर्ल, हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई इस्माले द्वारा जो है जो कार्बन होता है उसके किस अपर रूप को खोजा गया था डिस्कवर किया गया था ये बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है ग्राफीन, सेकेंड है लॉन्स डेलाइट, थर्ड ऑप्शन है कार्बोफीन एंड लास्ट ऑप्शन है फ्लोरीन।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, फुलरीन का क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, फॉर लेटेस्ट वीडियोज एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल पल्सनेट एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के वीडियो के साथ।